खुशीनगर के गांव बेलवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 25 साल के युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुरादाबाद देहात के मूढ़ा पांडे टोल प्लाजा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। बता दें कि आज रामपुर में समाजवादियों का धरना प्रदर्शन था, लेकिन अब टोल प्लाजा पर सपा कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया है। आपके बेटा विधायक अब्दुल्ला में बहुत भारी जुल्म ज्यादा हो रही है, जुल्म की इंतहा हो गई है। इस सरकार को देश और प्रदेश में बहु बेटियों की इज्जत टूट रही है, उनका कोई ख्याल नहीं है। केवल इनका एक मकसद है, जौहर यूनिवर्सिटी जो शिक्षा के लिए बनी है, जहाँ लाखों लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उसको पैसा महबूब करना चाहते हैं। पढ़ाई का जो कॉलेज बना है, जो यूनिवर्सिटी बनी है, उसको एक ख़त्म कर देना चाहते हैं। इन्हें प्रदेश की बहू बेटियों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। बहू बेटियों की इज्जत खुलेआम लुट रही है। आपको जानते हैं कुलदीप सिंह ठेकर जो विधायक सीतापुर जेल में बंद है, कल उसने रेप पीड़िता के साथ साजिश करके एक्सीडेंट किया, उसके साथ रेप किया, फिर एक्सीडेंट किया, उसका पूरा परिवार मार गया। पीड़िता लखनऊ ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसका इनको कोई ख्याल नहीं, उसकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं है। केवल इन्होंने आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम खान साहब और उनकी यूनिवर्सिटी को केंद्रित करके उसको बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने नेता अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज रामपुर जाने के लिए खुले हैं। हम लोग भी निश्चित रूप से रामपुर जाएंगे। यहाँ हमें रोक दिया गया है, तो हम यहाँ लोग चेयरमैन साहब और हमारे सारे साथी हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। मोदी जी ने ये कहा था जब उन्होंने ओथ ली थी कि मैं अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना चाहता हूँ। हम बहुत खुश हुए, हमने उनकी बात पर यकीन किया। उन्होंने एक बात और कही उसी सिलसिले में कि अल्पसंख्यकों की जो खराबी है वो ये है कि उनकी शिक्षा पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज लखनऊ के इशारे पर मोदी जी की के ज़रिए जो अपॉइंटेड यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं उनके ज़रिए और प्रशासन के जो प्रशासन है रामपुर का उसके ज़रिए आज जो मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी है, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, अकलियती यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर बराबर हमला हो रहा है। जानबूझकर वहाँ जो है पुलिस जाती है, उन्हें जो वहाँ एडमिशन लेने आते हैं उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है कि यहाँ दाखिला मत लो। सिर्फ एक मकसद ये है कि वहाँ यूनिवर्सिटी जो है बर्बाद हो जाए। एक जो इतना अच्छा अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय जिसकी धूम जो है पूरी दुनिया में है, जिसकी शिक्षा का जवाब नहीं है, आप उसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। अरे भाई कोई इंतकाम लेना है तो आजम खां से लो, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम यहाँ ज़मीन पर नहीं बैठने के। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी जो है वो आजम खां की तरह नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है, हर हिंदुस्तानी का इस यूनिवर्सिटी के अंदर बनाने के अंदर योगदान है। एक एक रुपया जो है रक्षा वालों ने, तांगे वालों ने, रेड़ी वालों ने से चंदा लेकर आजम खान ने जो है यूनिवर्सिटी बनाई है। तो यूनिवर्सिटी सब लोगों की है और सामूहिक यूनिवर्सिटी है। तो हम सब लोग जो हैं इसी सिलसिले में अखिलेश यादव की कॉल के ऊपर हम जो है आज यहाँ मौजूद हैं। हमें जाने नहीं दिया गया, लेकिन हम यहाँ धरना इस बात का दे रहे हैं। हम अमन पसंद शहरी हैं, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें माहौल ख़राब नहीं करना है, हमें माहौल को सही रखना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, कानून को हम मानने वाले हैं। लिहाजा अपना जो प्रोटेस्ट है वो हम जाहिर कर रहे हैं और इस बात की डिमांड करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी को बख्श दो, भाई मुसलमानों को और जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं उन्हें तालीम हासिल करने दो, ताकि वो लोग भी जो हैं दूसरे लोगों की जो अच्छी ज़िंदगी है उनकी भी ज़िंदगी जो है बेहतर हो जाए। बस यह हमारी बात सिर्फ यह है। खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से, जहां भीलखेड़ी के पास अज्ञात बदमाशों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि यहां बदमाशों ने पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में छात्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस भी मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। बाइट सर, एक शव मिला है बच्चे का, क्या है पूरा मामला? ये चमन का शव है, 13-14 साल लड़की की उम्र है। कल शाम को मंदिर में गांव में ही भंडारा था, वहीं गया था, फिर वहां से लापता हो गया था, गायब हो गया था।
आज इसकी डेड बॉडी ज्वार के खेत में मिली है गांव से बाहर। इसके साथ के लड़कों को कुछ उठाया गया जो सस्पेक्टेड है, बाकी तफ्तीश चल रही है। बहुत जल्दी हम मुलजिमों तक पहुंच जाएंगे, मुकदमा लिख के आवश्यक। सर कुछ चर्चा थी कुछ चुनौती की रकम ये ऐसी कोई चीज़ प्रकाश में नहीं आई, हम विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ के ही लोग हैं और बहुत जल्दी हम इस घटना को रिकॉर्ड करेंगे। यूपी के कुशीनगर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया। लाइनमैन को आनंद फानंद में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल इलाज चल रहा है। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज गेट के करीब एक महिला के लावारिस शव को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया। बेहद विचलित कर देने वाली ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस घटना से पूरे प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नहीं ऐसा नहीं है, मुझको जो सूचना दी है सीएमएस ने वो दी है कि एक कोई लावारिस डेड बॉडी अस्पताल के पास कोई रख के चला गया था, जिसे अस्पताल कर्मियों ने पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसको आवारा जानवरों ने नोच लिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और इसकी जाँच करा लेंगे और जाँच में भी कुछ पाया जाता है तो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया ये बताया गया है कि वो लावारिस लाश थी और उसको पोस्टमार्टम करके उसका अंतिम क्रिया किया जा रहा है। पीलीभीत में आज सुबह घर में खाना बनाते समय युवती के कपड़ों ने आग पकड़ ली। युवती बुरी तरह से झुलस गई। आग के फैलने से गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आपको बता दें कि सिलेंडर के फटने से परिवार के तीन अन्य लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें आनंद फानंद में एम्बुलेंस के द्वारा CHC में भर्ती कराया गया है, जहाँ हालत गंभीर होने के बाद हार्ट ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, कुछ लोग आए गंभीर रूप से घायल होकर जले हुए आए, क्या कैसे जले हैं और क्या क्या उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? इसमें एक कुमारी चमन है जो 100% जली हुई है, दूसरे नंबर पर निजामुद्दीन है जिनकी उम्र लगभग 20 साल है जो 80% जले हुए हैं, और एक फीमेल पेशेंट है कुमारी चमन की माँ है जो भी काफ़ी जली हुई है, और एक उनकी छोटी सी बच्ची है जो कम जली है। इसमें कुमारी चमन और निजामुद्दीन की हालत गंभीर है, बाकी महिला और उनकी बच्ची की हालत स्थिर है। मुरादाबाद के बिलारी शाहबाद हाईवे पर एक प्राइवेट बस पर छात्र लटक कर यात्रा कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आपके कैसे छात्र बस पर लटके हुए हैं। अब आपको बता दें कि ये सारा मंजर बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने का है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसद और बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, रामपुर से सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर रामपुर जा रहे थे, लेकिन मुरादाबाद प्रशासन पहले से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं पर नजर रखे हुआ था और शहर की सीमाओं पर रात से ही पुलिस और पैरा मिलिट्री लगी थी। आज जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाईवे 24 से रामपुर जाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और उनकी गिरफ्तारी। वहाँ पर जो लोगों का कॉल है उसको शासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, तो बिना अनुमति के जो ये प्रोग्राम हो रहा था उसके चलते रामपुर पुलिस प्रशासन द्वारा हमसे अनुरोध किया गया था कि जो भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आ रहे हैं, क्योंकि ये परमिशन नहीं है, अनऑथराइज है, तो इसलिए इसमें किसी को भाग करने के लिए आने से रोका गया। लगभग कितने कार्यकर्ता रहे होंगे जिनकी गिरफ्तारी की गई है, रोका गया? देखिए पुलिस फोर्स सुबह से अलग अलग पॉइंट्स पर लगी है, तो अलग अलग पॉइंट्स पर गिरफ्तारी हुई है। ये सब मैटर से वो कलेक्ट करके पकड़ा जाएगा कि किस पॉइंट पर कितने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। सर इनकी गिरफ्तारी करी गई है? इनकी गिरफ्तारी की गई। जिस तरह उत्तर प्रदेश के रामपुर के कदावर नेता आजम खान के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, उसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के नेता सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करते रहे। ऐसे ही मुरादाबाद के अंदर रामपुर दराया मोना पांडे क्षेत्र में बड़ी संख्या में सांसद विधायक सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उनको रामपुर यूनिवर्सिटी जाने नहीं दिया, जिससे कि कानून व्यवस्था मेंटेन रहे और कानून व्यवस्था में किसी तरह की भी कोई सेनमारी ना हो। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए जितने भी कार्यकर्ता थे उनको अपनी हिरासत में लेकर जेल की कार्रवाई करवा दी गई है, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी नेताओं का जोश कम नहीं है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। कल अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी की गई थी दोपहर के टाइम में, तो अब्दुल्ला आजम ने भी अपना वर्डिक दिया था कि शासन में बैठे लोगों के इशारे पर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, और
जौहर अली यूनिवर्सिटी को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस बारीकी से इस पर नजर रखे हुए है कि कहीं भी कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, क्योंकि एक तरफ सावन का चौथा सोमवार आने को है और ईद उल अजहा का त्यौहार भी सर पर है, लेकिन पुलिस ने किसी भी ऐसी अनहोनी घटना होने से पहले ही समाजवादी के सांसद विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया है। नसीम खान, CMN न्यूज़, अहमदाबाद। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाड़ौती के चिकित्सकों ने NMC बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर OPD में कामकाज किया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केशव मीना ने बताया कि NMC बिल अपने वर्तमान प्रारूप में पास हो जाता है तो यह देश में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए घातक साबित होगा। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ इस बिल के उन सभी प्रावधानों का विरोध जारी रखेगा जो देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का हथियार बनने जा रहे हैं। बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत बामराला में पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज ने पर्यावरण प्रदूषण के बचाव के लिए 363 पौधे लगाकर अमृता देवी उद्यान का निर्माण किया। उद्यान में बिश्नोई समाज के लोग पौधों को रखवाली करते हैं। इस उद्यान में बिश्नोई समाज के लोग पौधों की रखवाली करते हैं। आपको बता दें कि बिश्नोई समाज के लोग वन्य जीव और पेड़ पौधों के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। बिश्नोई समाज ने बामरला गांव में उद्यान बनाकर लोगों को एक नई पहचान बनाई है। सर, ये अमृता देवी उद्यान लगाया है, इसमें कितने पौधे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? 300 पौधे लगाए गए हैं। यहाँ बकरियों के जो झुंड है वो छोड़ दिए जाते हैं, उनकी रखवाली के लिए कोई आदमी की व्यवस्था न तो होने देते हैं न करने देते हैं। सर, आपने यहाँ उद्यान बनाया है, पर्यावरण प्रेमी हो आप, तो और आपकी यहाँ क्या क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि संस्था के नाम से इस ज़मीन को कन्वर्ट कराया जावे और इन पौधों की रक्षा के लिए कुछ बजट दिया जावे जिससे ये पौधे बचे रहे सुरक्षित। यहाँ पानी की क्या समस्या है? पानी की बहुत समस्या है, यहाँ पानी कंधे पे उठा के लाते हैं और पौधों को पिलाया जाता है। सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ टाँके की व्यवस्था की जाए या ओद की व्यवस्था की जाए। यहाँ पौधों को पानी किस तरह दिया जाता है? पौधों को बाल्टियों से दिया जाता है। और कितनी दूरी से लाते हो? बहुत दूर है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में परिवहन विभाग और यातायात निरीक्षक के संयुक्त प्रयास से सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के जमकर चालान किए जा रहे हैं। आज भी लगभग 50 वाहन स्वामियों के चालान किए गए। किस तरह का अभियान चल रहा है सर? क्या है उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा अनुरोध सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए सप्ताह में 2 दिन सीट और हेलमेट का चलान किया जाता है। सरकार द्वारा आज का दिन निर्धारित है जहाँ सीट बेल्ट और हेलमेट की चलान हो रहा है। कितने गाड़ियों का चलान किया गया, कितने गाड़ियों को सीज किया गया? 50 के आसपास चलान हो गए हैं और अभी 40-45 चलान हो गए, 90 के आसपास चलान हो गए। यह अभियान कब तक चलेगा? चलेगा जब तक आदमी हेलमेट ना लगा दे, लोगों की चिंता ना आ जाए कि हेलमेट बहुत जरूरी है जीवन के लिए, रोड पे जान माल भी सुरक्षित हो सके। मुजफ्फरनगर के चरथावल की बात करते हैं, जहां पर मामूली सी बात पर युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है। फिलहाल युवक को अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वही शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद आसिफ तिवारी, बताइए पूरा मामला क्या होगा? सर, पूरा मामला है, मैं तेल गिरवाने के लिए जा रहा था, मैं पहन के जा रहा था, मुझे तो जैसे कि मैं तेल पंप पे जा रहा था तो रास्ते में मिला वो लड़का। कौन आदमी था? घड़िया। अच्छा, आदिल के नाम से, आदिल नाम है वैसे, फेमस जो है घड़िया के नाम से है। तो क्या नाम, जैसे कि मैं जा रहा था तो 40 की स्पीड थी मेरी गाड़ी, तो उसके कोई टक्कर नहीं लगी कुछ नहीं, वहाँ पे जितने आदमी बैठे थे सब गवाह है। तो उसने मुझे छुटते ही गाली दी, क्या नाम तेरी बहन को तेरी मुँह ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो क्या नाम, मैंने गाड़ी रोकी, मगर अगर तेरे साइड लगी हो तो मार तू मेरे। क्या लगा तू घर आ जा, मैं घर देख लूंगा, मगर ठीक है चल मैं घर आ रहा हूँ। इतना मैं तेल गिरवा के घर पे गया तो डंडा लिए आ रहा था और उसका बाप पीछे पीछे था, तो उन्होंने आते ही मेरे पे हमला करा। जैसे कि मैंने, किस आदमी ने हमला किया? हाँ जी, किसने किया? उसी लड़के ने, आदमी ने। तो जैसे कि मैंने ईट मारी तो ईट एक ने पकड़ ली, वो उसके लगी नहीं, तो फिर उसके बाप ने मुझे पकड़ा और उसने मेरे 2-4 ईट मारी,
क्या नाम था? आदिल। उसके बाप का नाम कलामा था, उसने मुझे पकड़ा था और उसके पूत ने दो चार ईंट मारी थी, दो सिर में मारी और एक मुंह पे मारी। स्पोटरा के ग्राम पंचायत नरौली डांग में परशुराम सेना के तत्वाधान में राज मंदिर के प्रांगण में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक चेतन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। शाहबाद के सैफरी से छितौनी और इसी मार्ग से जुड़ा भवन मंदिर सहित कई रास्ते इन दिनों खस्ता हालत में हैं। ये सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं कि इन पर पैदल चलना मुश्किल है। मेरा नाम वसीम अहमद अंसारी जी। कहाँ रहते हो आप? जी मैं सिर में रहता हूँ। अच्छा, जो ये मामला है, क्या मामला है? छितौनी मार्ग के लिए DPRO साहब आए थे आज निरीक्षण करने के लिए जी। इसके नालों भी और पूरा जितने भी गड्ढे वगैरह हैं उन्हें भी देखा DPRO साहब ने। अच्छा, कल सर्वे हुआ था? कल सर्वे हुआ था। ये सिंह साहब को फ़ोन पर बताया है उन्होंने, ये सिंह साहब ने भी उन्होंने कहा है कि इस महीने में जो मार्ग है जल्द से जल्द काम चालू करा दिया। अच्छा जी, ये आपने काम किया है, इतने दिनों से लगे पड़े हैं, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 3 साल हो गए हैं इस मार्ग के लिए लगे हुए। अच्छा, तो अब आन के जाँच हुई है? अब आन के जाँच हुई है, जिसमें कि आज DPRO साहब आए हैं, उन्होंने निरीक्षण किया है, निरीक्षण करने के बाद ये सिंह साहब को अवगत कराया। उनके साथ और कौन कौन था अधिकारी? ADO साहब भी थे। ADO साहब? अच्छा सर जी, इनके साथ ADO साहब और सेक्रेटरी साहब भी थे। अच्छा, तो उन्होंने करा था जी। छितौनी मार्ग से आगे को कहीं और किसी रोड का हुआ था? छितौनी मार्ग से आगे को एक जो है धनियापुर मार्ग है, जो कि बहुत ही अत्यंत खराब स्थिति में है, उस मार्ग का भी DPRO साहब ने निरीक्षण किया है और जो है आश्वासन दिया है कि वो भी जल्द से जल्द सही करा दिया। अच्छा, जो ये सेफने के लोगों की और क्या मांग है? कूड़ा कर लेने के लिए DPRO साहब ने आश्वासन दे दिया है कि वो उसके लिए भी एक सीमित स्थान जल्दी बनेगा। नाम है वीरेन सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी जी। जो आज आपने सर्वे कराया है वो कितनी जगह कराया और क्या क्या देखा आपने? आज हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं जी कि गांव-गांव में सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, जहां जल भराव की समस्या, उस समस्या का निस्तारण कराया जाए जी। जितने भी हमारे प्राथमिक अपर प्राथमिक विद्यालय हैं उनका कायाकल्प किया जाए, आंगनबाड़ी सेंटर का कायाकल्प किया जाए, गाँव में कूड़े घर बनाए जाए और ग्राम पंचायतों में कूड़े कलेक्शन की व्यवस्था की जाए, जिसमें जो है कूड़ा सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग हो। एक को गीले कूड़े को तो खाद में परिवर्तित किया जाए, खाद के कंपोस्ट पिट के द्वारा, और सूखे कूड़े को ग्राम पंचायत में प्लास्टिक है या कोई अतीता है ऐसी चीज़ों को उसे रिसाइकलिंग के लिए उसमें एक सेल करो, जिससे ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़े और उसी आमदनी से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। जैसे कि तो हम लोगों ने गांव में आपके आके देखा है, जो रास्ते मेन रास्ते पे कहीं पर गड्ढा है या जलभराव की समस्या है, PWD की सड़क है, PWD के एक्सीन साहब से बात हो गई है, जिसका उनके द्वारा बताया गया है कि इसका एस्टीमेट स्वीकृति के लिए भेज दिया गया, जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाला। जो काम ग्राम पंचायत के हैं वो ग्राम पंचायत से लेने के लिए बोल दिया गया है और उनको मनरेगा और ग्राम निधि के कन्वर्जन से करा कर बहुत शीघ्र ही यहाँ की जो भी समस्या है उसका निस्तारण करने जा रहे हैं। स्कूल का निरीक्षण किया गया है, जहाँ पर एक आंगनबाड़ी का सेंटर जर्जर अवस्था में मिला है, उसमें DPO साहब से बात हो गई है, उसके लिए उसको तोड़वाने के लिए जो प्रक्रिया होती है शासकीय, उस प्रक्रिया का पालन कराते हुए उसको। कुशीनगर जनपद के खड़ा खुर्द रेलवे स्टेशन के पास गन्ने के खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं शव की आंखें बाहर निकल जाने से हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा सूचना पर खड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।